Hey everyone, welcome to my new YouTube show. Finally, it's called Wing It with Ankush. Honestly, मैंने अभी format बनाया नहीं है show का. It's gonna be very improv. Basically, I'm gonna wing it. This is a makeup show, and इसमें मैं बस नए नए लोगों को लाऊंगा और उनपे makeup try करूंगा और उनसे बातें करूंगा. It's as simple as that. And let's hope in this process I get better at makeup. I don't know. And the first guest is Shivani Bedi. Yay! This is so badly scripted. We used to shoot like every week and now we're meeting after 8 months. This is crazy. मेरे को नहीं पता अभी कौन कहाँ बैठेगा. We'll figure it out. But Shivani, what kind of a look do you want? Smoky eyes. She wants smoky eyes. Okay. I want uber glam. Like yeah, it should be dewy, dehydrate my skin because right now I'm wearing literally nothing. I feel so exposed. So let's start. Yeah. ठीक है, cool. Okay. Shivani, video शुरू भी नहीं हुआ तो phone पे लगी हुई है यार. Addiction. So सबसे पहले because the skin is very dry, I'm gonna put some oil and details मैं description में डाल दूँगा. किसे बैठ गई है यार? क्या करूँ? He's such a monkey. मतलब बैठे थप्पड़ मारूंगी यार. अंकुश accuses me of bullying him. You should because know. You do bully me. Everybody knows. सबने ग्रुपर्स देखे, सबने ग्रुपर्स देखे, इसको बेवकूफ बना रही है. यार ये इतना इतना ज़्यादा annoying है ना. मैं तेरे को पहले भी बोला था. ओके ठीक है. ये कभी मेरी बात नहीं सुनता, फिर गैसलाइट करके ब्लेम मेरे पे डाल देता है. इतने हैवी वोक टर्म्स मत यूज कर. Shivani has been acting since quite a while now, yeah. And I want to talk to you about that while we do the video. Okay. ठीक है. Okay. So you tell me, how has the acting experience been, and has it really changed lately for you? यार, acting experience, I have to admit that you know the web space and social media opening up and people creating their own content or finding avenues to get popular there or stay relevant there definitely adds to your street cred. इतनी अंग्रेजी एक साथ हिंदी में बोल ले थोड़ा. आई थिंक जो चीजें काफी सारे लोगों को who come from backgrounds of privilege or something plate पे मिलती हैं, वहां तक पहुंचते मेरे जैसे कुछ लोग तो 30 प्लस हो जाते हैं और फिर वो एज शेम और बॉडी शेम होते रहते हैं और उनको कैरेक्टर्स और रोल्स के ऑडिशंस जो मिलते हैं वो अंकुश के साथ ही इतने सारे मतलब मैं फोन कॉल्स पे आई हैड सो मेनी मल्टीपल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन लेस देन हाफ एन आवर. आई थिंक हमारा हर मंगलवार बुधवार का होता है. मंगलवार को इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस स्पाइरल एंड देन वी कॉल ईच अदर और मैसेज एंड देन सेंड 59 वॉइस नोट्स. दैट्स ट्रू. आई हैव डन थिएटर, आई हैव बीन डूइंग स्टेज सिंस आई वाज 5 इयर्स ओल्ड. सो काफी हद तक कुछ चीजें मुझे पता है बट आई फील लाइक दैट्स स्टिल नॉट इनफ. वी थिंक दैट इट इज जल्दी Shivani, we are at a shoot right now and this is extremely unprofessional of you. Oh god, wait, I have to wash my hands. Aa gaya. But I feel like yeah, I faced a lot of prejudice in terms of my age. As per Bollywood, women above a certain age and a certain size can either only be mummy or bitter divorcees. That is so. Or you know, ambitious lady with no regard for personal life. औरतों की तीन कैटेगरीज हैं, या फिर अगर वो अंडर 25 हैं और पीवाईडीज हैं, प्रिटी यंग थिंग्स हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्टिफाइड ही होंगी. व्हाट बकेट डू मम्मी मम्मी. इट स्टार्टेड विद प्लेइंग मम्मी टू 2-year-old 3-year-old. नाउ आई एम गिवन ऑडिशंस टू प्ले मम्मी टू 21-year-olds एंड आई एम लाइक इफ आई डू बेसिक मैथ आल्सो ना इट डज नॉट ऐड अप. एट व्हाट एज शुड यू हैव सेक्स टू प्ले? प्रोबेबली 12 एंड अ हाफ और 13. इन द मूवी वक्त शिवाली छाया वाज आइदर द सेम एज एज अक्षय कुमार और यंगर देन हिम एंड शी वाज प्लेइंग हिज मॉम. या एंड आई फील लाइक अ लॉट ऑफ अस एज एक्टर्स से यस टू अपॉर्चुनिटीज लाइक दीस बिकॉज़ यू नो काम तो चाहिए ना, तो क्या करोगे. तो मतलब मना भी एक लिमिट से ज्यादा इंसान कर नहीं पाता. मेरे को तो बड़ा मना करती है तो हर चीज के लिए. अंकुश अगर तू अक्षय कुमार या फिर शाहरुख खान होता ना तो फिर नहीं मना करता. अब मुझे बोलेंगे शाहरुख की मम्मी प्ले करो तो मैं हाँ बोल दूंगी. I want to ask Shivani another very important question that I can only ask you because you're a friend. Right. Yeah, तुझे क्या लगता है? Like for example, would you ever be a part of a project that you know is problematic? No.
Yeah, the problem is, okay, I have to admit it that sometimes, you know, you don't know if a project is problematic. Exactly, like tumhe nahi pata ki wo project kaise dikhne wala hai aage. Yeah, the larger picture opens to us only when we are on board. But I might just find myself after having gone through the process and the period. Ek to tu chote chote sentence bol, main cut kaise karunga itne bade lecture ko. Do you think that choice also comes when you're at a certain stage, like a newcomer actor? Yeah. अगर career कहीं जा नहीं रहा और कोई exactly like you need work, you need work, and this is what we do, right? Opportunity नहीं मिली तो तुम क्या करो? So I've been auditioning also since last 6-7 years now. शुरू में मुझे बोला जाता था कि you don't have the face for like ads. Like I've been told that I'm not conventionally good looking and I can't change that. So after a point it stopped affecting me. I was like, ठीक है वैसी शक्ल क्या करूँ? So now they tell me that now that I'm slightly more groomed, they will tell me that अब ना हम लोग कोई नया फेस ढूंढ रहे हैं तो अभी आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे तो वी कांट टेक अ नोन फेस. आई डोंट नो कंटेंट क्रिएटर्स को, इफ अ कंटेंट क्रिएटर वांट्स टू बी एन एक्टर, दे आर मोस्टली टाइपकास्ट. लाइक मुझे रोल्स भी क्या मिलेंगे, बिकॉज आई हैव डन सर्टेन काइंड ऑफ कॉमेडी वीडियोस ना, आई विल आई एम ऑलरेडी स्टीरियोटाइप. या स्टीरियोटाइप बेस्ड ऑन माय बॉडी आल्सो, लाइक यू नो सरदारनी, हट्टी कट्टी गर्ल मडोल, बिकॉज एज पर बॉलीवुड एवरीबॉडी हु इज थिक एंड लार्ज इज बबली ओनली ना. Even if people are happy and bubbly when they are large, how like is a character do thick people or curvy people do nothing more than being cute and eating. It's really nice. I love the eyes. It's true. अभी हुआ नहीं. अभी कर रहा हूँ. Putting like a blue and blending it out, because what she's gonna wear is blue, right? Yeah. I'll ask you something else. Fuck. Can you see the blue? I think it looks amazing. Yeah. I know you enjoy doing acting, you love it. Yeah. But do you genuinely enjoy doing content? Content creation mein pressure bahut hai yaar. To stay relevant. Aur wo na bahut mindfuck karta hai. Aur wo na it sometimes takes away from the whole idea and reason behind being a content creator. Hmm. Because it's a lot about numbers, it's a lot about like बहुत mechanical हो जाता है एक point पे, बहुत mechanical. कुछ लोग होते हैं जो primarily actors होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो primarily content creators होते हैं. And I find it sometimes very unfair that everybody right now is supposed to be a content creator to stay relevant. Yeah, like yeah. whether you're an actor or whatever, yeah. you have to create content. और मुझे वो compulsion लगता है. मुझे naturally आता है ये stories record करना वगैरह, because I'm that person. I was that person even before I had followers. Right. But someone like Shivani, I've seen her. I'm hustle. Very tight, you know, hustle tight. Okay. Not tight in the sense. मतलब I'm very like introverted like that. Do you know? I don't think people who follow you know what kind of person you are. Hmm, because yeah. you सिर्फ specifically content डालते हैं, like your people need deserve to know what you are like as a person, because that will attract the kind of audience that belongs to you. That's true. We always enjoyed working together, but then I think but हमने कभी इतना सारा काम एक साथ नहीं किया था और इतना closely नहीं करा था. And thanks to Roshni also, because like she really brought the best out in both of us in the last 1 year. Roshni, we love you. Roshni, I love you too. He's so dude, short चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बीच में अंकुश को you know फोन देखने लग गया या हंसने लग गया, कुछ तो भी गधा बंदी कर लिया. मेकअप खराब करता हूँ. नहीं ऐसे कुछ नहीं. Shit यार. This tape hack works. रुक जा मुझे हटाने दे. आये हाय मर गई मैं. ये भगवान बचा. ये यहाँ से ऊपर है. ठीक कर लो. Shit. Okay, first blunder of the episode. शिवानी की एक टेप ऊपर लगी थी, एक टेप नीचे लगी थी, सो हर आईज आर अनइक्वल. दिखा एक बार कैमरे को, आगे आके देख. हाँ ठीक है, इतना भी नहीं है. हाँ इट्स नाइस ओनली, थोड़ा सा है. चलना छोड़. I'm learning, यार. I'm learning. हाँ learn. It's but this is what the show is supposed to be, यार. I'm just literally practicing my skills on my friends, and if I fuck up, it's all in front of you. I'm getting caught. अभी मम्मी को लगाना है इस पे करेक्टर. I'll be honest, Ranku, when we started working together, na, I had a very strong fear that you might, you know, not like working with me, or you might I don't like get. देखा यही तो करता है बदतमीजी ये. Because I used to sometimes feel that you have a certain like tendency to sometimes get insecure from. I do have, but not with you. नहीं, not with me, but like you know, like from in general, what I yes. had heard, or थोड़ा बहुत, थोड़ा like. Just the whole during initial men's XP ke jo videos ke days the, jo bhi matlab general feedback sometimes is slightly disarming. After maybe one or two videos, I was like, man, this is the best team ever. Like this boy is so open. Like there is no ounce of, at least I don't sense it, you know, at all. Yeah,
the point is that I am a very underconfident person. Right. So I feel challenged very easily. Right. But doesn't necessarily mean that I'll do something about it. Like right. It's not like I'll get vindictive with right. people. Right. Or I'll try to steal someone's thunder. Yeah. And also Ankush is super smart and very thorough, dude. Even my father says it that Ankush has great timing. Kuch I nahi will tell you something else also. हम लोगों ने शिवानी का कंसीलर वगैरह लगा दिया है और वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ शिवानी वाज़ टेलिंग मी समथिंग दैट इज़ स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक टू बी ऑन कैमरा जस्ट सेटिंग हर अंडर आईज़ विद लूज़ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर आई थिंक ये सब लगा कर मेरे सर में दर्द हो जाता है शिवानी ऑलरेडी हैज़ सच अ शार्प जॉलाइन दैट You don't need to contour much, even though I've already contoured much. मतलब basically तू naturally इतना बड़ा बांदर है, बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। Oh God, शिवानी मेरे को शूट के पीछे बांदर बोलती थी, इतनी हंसी आती थी। कभी-कभी मैं इसको मंगूस भी बोलती थी। पता कि इसको ना हर चीज़ पागल है, okay? So he is never confident. He wants to do the same thing five times. So he purposely sometimes in the third take fuck up so that we could have a fourth take. He was such a stickler कि एक बार ही और करें। एक बार और कर है ना मैं लाइक मैं जूता मार लूंगी तो मैं जल्दी का घर जाना मुझे पॉटी करनी है आई शुड हैव पुट द काजल बिफोर बट आई न्यू ही इज गोना थिंक ही या तो खुद लगा ले तो मेरे को मारेगी वरना अगर नहीं तू कर लेना ऊपर लगा नहीं नीचे नीचे मत लगा नहीं लगाना है लगाना अंदर नहीं अंदर लगाना है अंदर नहीं लगाना अंदर लगाना है इट्स द लुक ये ले शीशा चाहिए तो मुझे थोड़ा ऐसे डर लगता है शिवानी से टू बी वेरी अबे अंदर हां डर क्यों काजल लगाना है क्यों डर अबे तुझसे डर लगता है क्यों तू मार सकती है मुझे यू आर वेरी केयरफुल आई एम नॉट वायलेंट एट ऑल आई लव द वे यू शेडेड द इट्स गुड नो इट्स आई मीन फिर तू कहेगा कि मैं फ्रेज वर्क में कर रही हूं बट नहीं इसमें कर सकती है बुद्धि गुड इट्स रियली गुड द डबल शेड गुड इट्स रियली चाय अभी वीडियो के बीच में चाय कैसे पागल है तू रही Shivani is so annoying sometimes. Like she will say these things, it's really good, this that, and then suddenly she'll be disinterested. No, I'm interested. I'm interested in chai. We can have double, you know, like multiple interests. Shivani तूने खराब करवा दिया देख. मैंने कुछ भी खराब नहीं कराया. तू बालों के ऊपर shading कर रहा था. यार मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं look दिखाऊंगा कैसे इतनी दूर से. दिखेगा ही नहीं तेरी आंखों का जो हमने. Close up कर देते. कलाकारी. क्या कर रही है मैं आंखें बंद करके दिखा रही हूँ मुझे दिखा Can you see? It's like it's blue and grey and slightly green also. Where is the fucking eyelash? Sorry, curler. Yeah. Yeah. सारे सामान सामने पड़ा हुआ है यार सीरियसली यू वेरी इरिटेटिंग मुझे क्या पता क्या होता है ऊपर देख मैं प्रोफेशनल थोड़ी हूं यार और थोड़ी ऊपर देख ले हल्का सा हां लगी तो नहीं यार ये बहुत ही मेकशिफ्ट सा एपिसोड है आई एम सो सॉरी सो क्या आई फील लाइक दे कैन ही कैन ऑलवेज मैग्नीफाई ऑल ऑफ दिस एट दिस पॉइंट आई माइट जस्ट रूइन एवरीथिंग या आई वाज गोइंग टू से एग्जैक्टली दैट It's like too much of everything is bad, so it's fine. See, it looks much better now. This eye looks much better. Better, no? Yeah. It's duller and it's more definition. Yeah. She's changing into her clothes, and then we'll see how it looks. Okay, so Shivani is ready. Let's see what she looks like. Aaja. Ooh. Sorry, Aleleya. Oi, oi. Go show the makeup. Aankh band kar. So fuck. Aankh band karke dikhana ek baar. Are? I just want to sing. I'm a bad guy. Shivani, who are you wearing? I'm wearing a bespoke Pawan Sachdeva. He's like designed it. Totally to my specifications. It's so flattering and I love the fabric. And I think she looks amazing. Let me just come forward and see myself. Yeah. Yeah. Nice, na? Yeah. Okay, so that was episode 1 of Wing It with Ankush. Next episode comes out when, but I'll bring you another person and we will try something new. Are you going to bring me again? Maybe. Yay! Okay. So, ab
बोल देना लाइक कमेंट शेयर वगैरह प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू अंकुश बाउगना एंड इफ यू कैन प्लीज फॉलो मी आल्सो ऑन इंस्टाग्राम प्लीज एंड या वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम ओके 1 2 3 गो फैशन का है ये जलवा अच्छा फोटोज खींचने अंधेरा हो रहा है जल्दी चलो